दुनिया में देखा जाए तो ऐसे तमाम मंदिर हैं जिनकी रहस्यमय बातों को हम नहीं जानते हैं। वहीं आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं अपने ही देश के एक ऐसे मंदिर के बारे में जिसकी मान्यता को जब आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, देखा जाए तो हर धर्म में चोरी करना गलत माना जाता है और इसे पाप कहा जाता है, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तराखंड के एक ऐसे मंदिर के बारे में जहाँ पर एक अजीब ही प्रथा है। बता दें आपको, ये मंदिर है उत्तराखंड का सिद्धपीठ चूड़ामणि देवी का मंदिर, और यहाँ पर मनोकामना जब पूरी होती है जब चोरी की जाती है। उत्तराखंड के चूड़ियाला गांव में मौजूद है ये मंदिर, और पुत्र प्राप्ति चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पर जाना पड़ता है, और ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में भी शामिल है। दरअसल यहाँ पर मान्यता है कि जिन लोगों को पुत्र की चाह होती है वे जोड़े यहाँ आकर माता के चरणों से लोकड़ा यानी कि लकड़ी का गुट्ठा चोरी करके अपने साथ ले जाएं तो बेटा ही होता है, और उसके बाद बेटे के साथ माता पिता को यहाँ पर माथा टेकने भी आना होता है, और इस अवसर पर मंदिर पर भंडारा कराने की भी मान्यता है। इतना ही नहीं, जब ये दंपति यहाँ पर आते हैं यहाँ से ले गए लोकड़े के साथ ही कोई लोकड़ा भी अपने पुत्र के हाथों देवी के चरणों में चढ़वाते हैं। वहीं बता रहे हैं आपको कथाओं के अनुसार कि इस मंदिर का निर्माण हुआ था 1805 में, जो कि उस समय के रियासत के राजा ने बनवाया था, और एक बार राजा शिकार पर जंगल में गए हुए थे तभी माता की पिंडी के उन्हें दर्शन हो गए और राजा का कोई पुत्र नहीं था। ऐसे में राजा ने माता से पुत्र की प्राप्ति की मन्नत भी मांगी, और इसके बाद राजा को पुत्र भी प्राप्त हुआ, और तभी उन्होंने अपनी इच्छा पूरी होने के बाद माता के मंदिर का निर्माण कराया। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि चूड़ामणि देवी मंदिर सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है, और यहाँ पर देवी का चूड़ा गिरा था, और इसी वजह से ये मंदिर चूड़ामणि देवी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। वहीं साथ ही आपको ये भी बता दें कि कहाँ पर ये मंदिर है। दरअसल ये मंदिर रुड़की से 19 किलोमीटर दूर भगवानपुर के चूड़ियाला गांव में मौजूद है, और यहाँ पर पहुँचने के लिए रुड़की रोडवेज बस अड्डे से बस में भगवानपुर आना पड़ता है। इसके अलावा आप ट्रेन का उपयोग भी कर सकते हैं, ट्रेन के द्वारा भी यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। वहीं आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर चूड़ियाला स्टेशन पर केवल पैसेंजर ट्रेनों का ही ठहराव है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि कैसे इस मंदिर की मान्यता है और यहाँ पर चोरी करने से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। लेकिन आपको इस मंदिर के बारे में जानकर कैसा लगा, आप ये हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ से। प्रांशी की रिपोर्ट।